हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DMGS क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय बजट 2020-21 के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे, क्या क्या घोषणाएँ हुई हैं इस बार के बजट में उन सभी को देखेंगे, और जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, जो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उनको भी एक बार डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस साल के बजट को तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बजट के बेसिक्स को जानना ज़रूरी है, ठीक है? इससे भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं बजट के बारे में कि बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, उसका अर्थ क्या होता है, इन सब के बारे में। तो बजट शब्द फ्रेंच शब्द बूजेट से बना है, ठीक है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसी से निकल के आया है बजट। और इसका अर्थ क्या होता है, कभी कभी अर्थ पूछा जाता है, तो अर्थ ध्यान रखिएगा, अर्थ है चमड़े का थैला, ठीक है? बजट शब्द का अर्थ है चमड़े का थैला। आपने देखा होगा 2019 से पहले जब भी बजट पेश किया जाता था संसद में, तो एक चमड़े के थैले में लेकर आते थे, राइट? तो उस चमड़े के थैले को ही बजट कहा जाता था। लेकिन 2019 में निर्मला सीतारमण ने ये परंपरा तोड़ी और वहाँ से बजट को एक लाल कपड़े में लपेट कर पेश किया जाने लगा, जिसे बही खाता भी कहा जाता है। तो उस बही खाता, इस वर्ड को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में बजट पद्धति का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को कहा जाता है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बजट पद्धति का संस्थापक व जन्मदाता जेम्स विल्सन को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था, ठीक है? एक और नाम आ गया, ये दो तीन नाम अभी आगे आएंगे, उनको आपको याद रखना है। एक है जेम्स विल्सन, बजट पद्धति का संस्थापक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया, और वहीं गणतंत्र भारत का पहला बजट की अगर बात करें तो जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। इन तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है? इसीलिए मैंने एक साथ लिख दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई थे, ठीक है? मोरारजी देसाई जनता पार्टी के सदस्य थे, इन्होंने बजट सबसे ज़्यादा बार पेश किया, कितनी बार, तो 10 बार, ठीक है? बजट समवर्ती सूची में आता है। आप जानते हो तीन प्रकार की सूची होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो बजट समवर्ती सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987-88 में पेश किया था। अब ये शून्य आधारित बजट क्या होता है? शून्य आधारित बजट का मतलब होता है नए सिरे से बजट को पेश करना, ठीक है? कब पेश किया गया था सबसे पहले? तो राजीव गांधी ने पेश किया था, ठीक है? संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने का उल्लेख मिलता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है? तो बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कन्फ्यूज़न पैदा करने की बहुत सारी कोशिशें होंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बजट शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। सिर्फ अनुच्छेद 112 है, उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, इस शब्द का उल्लेख है, ठीक है? संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखिएगा। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में की गई है। हमने देखा अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार के बजट का उल्लेख है, वहीं राज्य सरकारों के बजट का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 202 में है, इसको भी याद रखिएगा। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्त समिति की संस्तुति पर 1924-25 में किया गया था, ठीक है? पहले रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत किया जाता था, राइट? लेकिन एक वर्त समिति, इस समिति को ध्यान रखिएगा, एक वर्त समिति की संस्तुति पर 1924-25 में दोनों को अलग अलग पेश करने लगे, ठीक है? अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाने लगा? तो आपको ध्यान रखना है, एक वर्त समिति थी ये, ठीक है? उसके बाद 2017 से फिर से रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा, ठीक है? ये 2017 से अभी जो है प्रेजेंट टाइम में एक साथ प्रस्तुत होता है रेल बजट और आम बजट। तो ये तो हो गए बजट से रिलेटेड कुछ बेसिक्स की पॉइंट्स। अब हम देखते हैं बजट 2020 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्या क्या घोषणाएं हुई हैं, उनको एक बार देखेंगे। चलो अब ध्यान से देखिएगा, केंद्रीय बजट 2020-21 में संसद में किसके द्वारा पेश किया? तो किसके द्वारा पेश किया, ऑब्वियस सी बात है, वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण।
एक्चुअली पहले इंदिरा गांधी भी वित्त मंत्री का पद संभाल चुकी हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री रहते हुए साथ में उन्होंने वित्त मंत्री का पद संभाला था, तो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री यहाँ पर पूछा गया है। तो पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये पहली है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? अब पहली महिला वित्त मंत्री पूछा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इंदिरा गांधी। ठीक है, प्रधानमंत्री भी थी और साथ में इन्होंने वित्त मंत्री की पोस्ट का है उसको भी संभाला हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो इस ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वित्त मंत्री का पद भी संभाला था, उन्होंने बजट पेश किया था? तो याद रखिए ऐसे 3 प्रधानमंत्री हुए हैं, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने ये काम किया था, प्रधानमंत्री रहते हुए भी वित्त मंत्री रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तीनों ही प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री भी रह चुके थे और इन्होंने बजट पेश किया था। नेक्स्ट है, 5 लाख तक की आय में कितने प्रतिशत टैक्स देना होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 0। 5 लाख तक की आय के लिए कोई भी टैक्स हमें पे नहीं करना है इस वाली टैक्स स्लैब के अनुसार। आइए देख लेते हैं कितने इनकम पे कितना प्रतिशत टैक्स जो है वो देना है। तो 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% टैक्स लगेगा, 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25%, और 15 लाख से ऊपर जिनकी आय है, 15 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है, उनको 30% टैक्स यहाँ पर देना होगा इस बार के टैक्स स्लैब के अनुसार, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण है? तो इस साल 2020 में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा काफी लंबा भाषण दिया गया संसद में, 2 घंटे 41 मिनट का बजट भाषण था, तो जो कि इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण है। ठीक है, तो इसी बार का है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाता है, 2020 का। ठीक है, नेक्स्ट है, तेजस की तरह कितनी प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएंगी? आपको पता है तेजस प्राइवेट ट्रेन है जो चलाई गई है, इसकी तरह और भी ट्रेन चलाने की प्लानिंग है, तो कितनी और चलाई जाएंगी? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट है, 150। ठीक है, 150 ट्रेन जो है प्राइवेट और चलाई जाने की योजना है। जल जीवन मिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन पर कितने रुपए आवंटित किए जाएंगे? ठीक है, तो जल जीवन मिशन में यहाँ पे 3.60 लाख करोड़ रुपीज जो है जल जीवन मिशन के लिए आवंटित किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट हो जाता है ऑप्शन बी, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 में वित्तीय वर्ष 2021 के लिए आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है इस बार आर्थिक वृद्धि दर? तो 10% रहने का अनुमान है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है, 10%। नेक्स्ट है, बजट 2020-21 में जम्मू कश्मीर के लिए कितने रुपए आवंटित किए जाएंगे? जम्मू कश्मीर जो एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है उसके विकास के लिए कितने रुपए आवंटित किए जाने का प्रावधान है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाता है, 30,757 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है, बजट 2020-21 में लद्दाख के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए हैं? तो लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसके लिए कितने रुपये आवंटित हैं? तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए राइट है, 5,985 करोड़ रुपए यहाँ पे लद्दाख के लिए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजन करने का प्लानिंग है, कब? 2022 में। ठीक है, 2022 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा, और हो सकता है नई दिल्ली में ही आयोजित हो, तो इसके लिए कितना बजट है, कितना बजट का प्रावधान है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है G20 शिखर सम्मेलन के लिए। नेक्स्ट है, बजट 2020 में कौशल विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो कौशल विकास के लिए आवंटित किए गए हैं 3,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 3,000 करोड़ रुपए याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बजट 2020 में सरकार ने किस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो यहाँ पे भारतीय जीवन बीमा निगम है, LIC जिसको कहते हैं,
इसके हिस्सेदारी जो है सरकार बेचने की तैयारी में है। ठीक है, तो LIC का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है पता नहीं। बजट 2020 में स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी? ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज के जरिए पूंजी बेची जाएगी किस बैंक की? तो IDBI बैंक की। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगों को कितने करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे? यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 9,500 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है, बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तमिल कवि की कविता सुनाई? ठीक है, तो वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कविता सुनाई थी, तो किसकी सुनाई थी? तिरुवल्लुवर एक कवि हैं दक्षिण भारतीय, इनकी कविता सुनाई थी, इनको याद रखिएगा। बजट 2021 में GDP ग्रोथ रेट का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया गया है? तो कितने प्रतिशत GDP रहने का अनुमान है? तो 6.5% GDP रहने का अनुमान है। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो 6.5 GDP रहने का अनुमान लगाया गया है। बजट 2020 में इंजीनियरों को रोजगार देने के लिए कितने साल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दिलाने का ऐलान किया गया है? तो इंजीनियरों को रोजगार देने के लिए 1 साल की ट्रेनिंग जो है वो बजट में इसका उल्लेख है, 1 साल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। दोस्तों, आप हमारे DMGS क्लासेस के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF इसकी मिल जाएगी। अगर वीडियो यूजफुल लग रही हो फ्रेंड्स, तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बजट 2020 में सरकार द्वारा किन बातों पर फोकस किया गया है? तो बजट 2020 में भारत की आकांक्षा, आर्थिक विकास, एक दूसरे की देखभाल करने वाला समाज, इन तीनों बातों पर फोकस किया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इन तीनों पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के इससे कई तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। बजट 2020 में कितने नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कितने नए स्मार्ट सिटी और बनाए जाएंगे इस बजट में, कितने बनाए जाने का उल्लेख है? तो 5 बनाए जाएंगे और। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाता है। और पिछली बार बनाए गए थे 99+1 बाद में फिर से जोड़ा गया था, यानी 100। अभी 5 और बनाने का घोषणा यहाँ पे की गई है। बजट 2020 में संस्कृति मंत्रालय के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3,150 करोड़ रुपए संस्कृति मंत्रालय के लिए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 में पर्यटन मंत्रालय को कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं? संस्कृति मंत्रालय हमने देख लिया, पर्यटन मंत्रालय पूछा गया है, तो पर्यटन मंत्रालय के लिए 2,500 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बजट 2020 में किन पुरातात्विक स्थलों के संग्रहालय को विकसित किया गया है? तो कौन से पुरातात्विक स्थल हैं जिनके संग्रहालयों को विकसित किया जाएगा, विकसित किए जाने की योजना है? तो 5 पुरातात्विक स्थल हैं कुल मिला के, कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। राखीगढ़ी है हरियाणा में, हस्तिनापुर दिल्ली में, ये सब आप पढ़ चुके हो हिस्ट्री के अंदर राइट। धोलावीरा पढ़ा है आपने, गुजरात में है। शिव सागर असम में है, ठीक है। आदिचनल्लूर ये तमिलनाडु का है, ठीक है। तो ये 5 साइट हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, असम और तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 में किस शहर में जनजाति संग्रहालय की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो किस शहर में जनजाति संग्रहालय की स्थापना करने की घोषणा हुई है? तो रांची है, ठीक है, रांची में जनजाति संग्रहालय बनाया जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। बजट 2020 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम कब तक पूरा करने की बात कही गई है? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम 2023 तक पूरा करने की बात कही गई है बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 में पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए आवंटित किए गए हैं 35,600 करोड़ रुपए, ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर किया जाएगा? तो जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निर्माण चल रहा था वो 16,000 किलोमीटर से विस्तारित किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो कितना बढ़ाया जाएगा? 27,000 किलोमीटर तक इसका विस्तार किया जाना है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2020 में अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं?
तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, 85,000 करोड़ रुपए। ठीक है, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 85,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट 2020 में कितने रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधाएं शुरू करने की बात कही गई है? तो यहाँ पर 550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधाएं शुरू की जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाता है राइट आंसर। 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? तो फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, राइट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। फरवरी के अंत में 2017 से पहले बजट पेश किया जाता था, और 2017 के बाद से बजट जो है 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा। ठीक है, 1 फरवरी को अब वर्तमान में बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 में, ये 2020 है, बजट 2020 में शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? यहाँ पे 99,300 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। 99,300 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो अंतरिम बजट को मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट, ये दोनों कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, अंतरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट और मिनी बजट दोनों कहा जा सकता है। बजट 2020 में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। महिला स्वयं सहायता समूह, जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहा जाता है, तो वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, धन्य लक्ष्मी योजना। ठीक है, धन्य लक्ष्मी योजना है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 तक उड़ान योजना के अंतर्गत कितने और एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे? उड़ान योजना, आप सभी लोग वाकिफ हैं इससे, उड़ान योजना के अंतर्गत और कितने एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? तो 100 एयरपोर्ट और बनाए जाएंगे 2024 तक। ठीक है, उड़ान योजना के अंतर्गत 100 एयरपोर्ट्स को और विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और एक बात और जान लीजिए, एक एडिशनल जानकारी यहाँ पे दे दूँ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान शुरू की जाएगी। ये कृषि उड़ान क्या है? कृषि उड़ान ये बेसिकली शुरू की जा रही है कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। ठीक है, कुछ कृषि उत्पाद होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ऐसे उत्पादों को जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों तरह के मार्गों पर कृषि उड़ान योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा से संबंधित ये जरूर आता है एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3.8% राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। बजट 2020 में किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखिएगा, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है बजट 2020 में। और टीबी मुक्त कराने के लिए जो योजना लॉन्च की जा रही है 2020 में ही, उस योजना का भी नाम पूछा जा सकता है। तो योजना का नाम आप याद रखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा। ठीक है, ये योजना का नाम है जो टीबी मुक्त कराने के लिए लॉन्च की जा रही है। तो योजना का नाम है टीबी हारेगा देश जीतेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट 2020 में जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक नई ट्रेन चलाई जाने की घोषणा की गई है, उसका नाम क्या है? अच्छा, जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के लिए ट्रेन भी चलाई जा रही है। एक हमने देखा था अभी उड़ान, कृषि उड़ान करके एक योजना चलाई जा रही है। अब यहाँ पे एक ट्रेन भी चलाई जा रही है जिसका नाम रखा गया है किसान रेल। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, किसान रेल चलाई जाएगी, एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। कृषि उत्पाद में जो खराब होने वाली वस्तुएं होती हैं उनको जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 में बैंक में जमा राशि का बीमा कवर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो बैंक में जो राशि जमा होती है उस पे बीमा कवर पहले 1 लाख रुपए मिलता था, अब उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 5 लाख रुपए। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो बैंक बीमा राशि का कवर 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। तो ये थे आपके बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हमने आज के वीडियो में देखा। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।